सही कहा था यार, मेरे यार को मैंने लिया, अगर हम बहुत देखने के लिए ऐसा कहा कि चाहिए, अगर पहुनिया का साथ से मेरे सामने से मेरे अल्लाह से इतना मारा तो खा दी नहीं। और ये आ गए बंसीलाल मुर्गा वाले रसूल को, मुर्गा कमाई आज सब सास के ऊपर जाए, लेकिन ये तुम्हारे खिलाफ है। ये आए कहा कि सास का जो ने भूलो इनका से उठा मुर्गा बेचे कहा कि नहीं पर वो बात कर रहे थे सावित्री कहा दे रहा हूं मैंने बता दिया फिर तुझे सोचिया के बाद देने ऐसे ना बता दिया मां मारे मारे ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? अरे बहू पे इस तरह जुर्म कर रही हो? जरा भी शर्म हया नहीं है तुम्हारे अंदर? मैं जो कुछ कर रही तेरे अच्छा के लिए कर रही आचा मां, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है कि मेरे रहते हुए तुम बहू पे जुर्म नहीं कर सकती हो। नहीं क्या कर रही है? मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि चल जाओ यहां से। चिल्ला नहीं, एक जवान खींचकर हाथी नहीं फिर दूंगा। झूठ लेके उसी दिनों का सोच रहा नहीं जानती हो? और जिस तरह तुम बहू पे जुर्म कर रही हो, अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो एक हाथ उठा कर तुझे हाथ पे रख देता। हे भगवान, मैं ये नहीं समझ पा होता है कि ये लड़की पता बहुत बढ़िया लगा दी का घर भरे सुभा दिए और मैं चक्कर रहा हूँ भाई जान दान दिए भी यार अच्छी भी यार कुछ हुआ होता है कि हम लगा दी का सुन गया क्या पता कि बढ़िया रात कर पे हमारे रात खाना पहन के भाई क्या तो क्या खाना पहन लो जन्म कर रही है बहू उठी उठी घबराओ नहीं आप तुम्हारे ऊपर कोई जन्म नहीं होगा उठी इसमें की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आपके पूरा किया है। देखिए ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, इसे माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलती को माफ कर दो। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही है? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, आप मेरे सामने पिया देखिए जो हुआ सो हुआ इसे भूल जाओ और अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म सितम नहीं होगा। प्रिया एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आज तुम हमारी बात को बुरा ना मानो तो उस बात को तुमसे कहूं प्रिया मुर्गा वाले 20 रुपया इनाम दिए हैं, उनका कहना है कि भैया गलत काम तुम ना करो यार, तुम्हारी ठीक है।
लेकिन चुप ना कर चाहिए किलो मुर्गा लेंगे इससे तुम दिखते हो मैंने बोलता हूँ तरफ से प्रिया कहना मैं यही चाहता हूँ यार तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी दर टुकड़ा नहीं होगा सारी दौलत सब तुम्हारी आंचल में हो तुम कहना क्या चाहते हो मेरी बात तो नहीं समझी हो तो सुनिए मेरी बात को कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं और मेरे पाचिया वो न तेरी नहीं सारी दौलत तेरी आंचल में डाल दूंगा कभी तुझे कम नहीं होगा तुझे शर्म नहीं है ऐसी बातें करते हुए इस बात का शर्म करो रे अरे मैं तेरी बहू नहीं तेरी ब्यूटी जैसी हूँ मैं अरे तुझे ब्लैक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा कीड़े पड़ जाएंगे तेरे जिस्म में अपनी बहू जैसे बेटे पर ही पूरा बड़ा अन्याय करने जा रहे हो मुझे चली दीजिए मैं चली जाऊंगी आपके मिलने भी नहीं जाऊंगी प्रिया मुझे छोड़ दीजिए मैं तुझे छोड़ दूंगा और तेरे बाप तक पहुंचा दूंगा लेकिन अपने दिल के अरमान पूरे करने के चुप करे चुल्लु भर पानी में ऐसी बातें करते हुए कोई मना है कि मैं ही मर जाऊंगा तेरी जवानी का रस किस तरह चुपता है अगर तू अपने आप को बचाना चाहती है तो बचा ले फिर नगराची के पैसे से जाएगी कहां तो तू आज अगर तू मेरे पंजे से बच सकती है